हेलो एवरीवन। तो देखो, जो हमारा बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें हमें 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं। उसका ये पार्ट नंबर 7 है। लगभग 150 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं क्योंकि एक वीडियो में 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं लगभग 10 मिनट में, ठीक है। तो देखो, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, तो इन तीनों को मिलाकर 1000 क्वेश्चन है हमारे पास। वीडियो की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, मतलब बायोलॉजी तो क्या है, हर एग्ज़ाम में आती है। और एक बात और, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना, चाहे मैं बात SSC की नहीं कर रहा, SSC हो या रेलवे, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को मिला करके मैंने ये सीरीज को तैयार की है। क्वेश्चन तो 1000 से भी ज़्यादा हैं, बट मैं 1000 क्वेश्चंस करने के बाद एक बार स्टॉप लूँगा। उसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जल्दी आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँगा। तो ये कर लेने के बाद आप मान के चलिए कि देखा होगा आपने आजकल एग्ज़ाम के पैटर्न में साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जो कि साइंस में पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए अगर 50 क्वेश्चन GK के हैं तो 35 क्वेश्चन लगभग आपको साइंस से देखने को मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इस सीरीज को मैंने तैयार की है, तो आप देखेंगे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, सॉरी 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 7वां पार्ट है, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स को, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो। PDF आप टेलीग्राम से लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में, तो आप जिसको जो लैंग्वेज पढ़नी हो पढ़ लें, मैं केवल एक लैंग्वेज पढ़ूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, सबको पता है। सबसे लंबा फाइबर कौन सा होता है न्यूरॉन की कोशिका में, एक्सोन बोलते हैं इसको। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको एक्सोन याद रखना है, क्योंकि मैंने देखा था एग्ज़ाम में एक्सोन को सीधा एक्सोन लिखा हुआ आया था, ये तंत्रिकाक्ष नहीं आया था लिखा हुआ, तो फिर भी मैंने लिख दिया, आप दोनों याद रखें। द एक्सोन पासेज द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड। एक्सोन अपनी इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं, तो किस जंक्शन के थ्रू भेजते हैं उसको बोलते हैं सिनेप्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अंतर्ग्रथन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, वाट आर दोज रिफ्लेक्स एक्शंस कॉल्ड विच इन्वॉल्व ब्रेन। मस्तिष्क द्वारा किए गई प्रतिवर्ती क्रियाओं को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, वो सेरिब्रल कंट्रोल करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट, द केमिकल सब्सटेंसेज विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ आर कॉल्ड। सबको पता है हार्मोन्स होते हैं ये। हार्मोन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। जो हमारी आवाज़ का भारी होना, हमारी हाइट का बढ़ना, ये सब हार्मोन की वजह से होता है। व्हेन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, द्विअंगी विखंडन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड। चार ऑप्शन आप पढ़ लें फटाफट। इसका राइट आंसर होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब किसी चीज़ का दोबारा से बनाना, रीजनरेशन। नेक्स्ट, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। मतलब किसी मैच्योर जीव का दो से अधिक भागों में टूटना, उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। देखो, लैपटॉप में भी, लैपटॉप PC के अंदर भी ऑप्शन होता है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या करता है, टूटी हुई चीज़ों को चेक करता है ये, इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। वेन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसको क्या बोलेंगे, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिना ये जो प्लांट होते हैं बनते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वनस्पति का प्रचार, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन द कट स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंट टुगेदर इन सच ए वे दैट द टू स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। कहने का मतलब, दो अलग अलग तने कटे हुए हैं, तने जानते हैं आप क्या होते हैं, अब दोनों तने मिल करके जुड़ते रहते हैं और एक नया पौधा बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, सी ऑप्शन, संशोधन। यह आपको एग्जाम में ग्राफ्टिंग ही लिखा हुआ मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको। द ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन ग्रेन द एंथर ऑफ ए स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड।
एक कार्पेल के कलंक के परागकोश के पराग कणों के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। नेक्स्ट, दोज ऑर्गन्स विच हैव सम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, मतलब स्ट्रक्चर सेम होती है बट उनका कार्य अलग अलग होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉसिल्स, जीवाश्म, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब क्या बात कर रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर वो डिफरेंट डिफरेंट है बट ये कार्य इनके सेम रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुरूपम, मतलब एनालॉगस ऑर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 61 और 162 थोड़े से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। वट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो सिंपल क्वेश्चन है, जो पौधे भी खाते हैं जानवर भी खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस, मतलब सब कुछ। ओमनी का क्या मतलब होता है? सब कुछ, सर्वाहारी। क्या बता सकते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जो दोनों चीज़ें खाते हैं? कमेंट में लिख के बताइए। वाट इज द शेडिंग ऑफ फ्लावर्स लीव्स एंड फ्रूट्स फॉलोड बाई फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू इन ए प्लांट कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं एफसीशन, रिग्लन। समझ में आ गया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड। उस कौन सी, उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है? उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखें, क्वेश्चन ये भी आता है कि हार्मोन को स्त्रावण करने वाली ग्लैंड सिस्टम कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अंतःस्रावी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट और पार्शियल डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल इज कॉल्ड। देखो क्या होता है, पौधे और पशु सामग्री के पूर्ण या आंशिक रूप से अपघटन, मतलब टूटना, द्वारा गठित मिट्टी के कार्बनिक गठन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ह्यूमस, सड़ी पत्तियों की मिट्टी। देखो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में इसको आपको याद रखना है, ह्यूमस। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप्स विद इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फूड वेव। अच्छा क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं बट अच्छा क्वेश्चन है। वॉट आर द हेटरोट्रॉप्स मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड ऑब्टेन फूड बाई ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंसेज इन डेट प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड। देखो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो मरे हुए जानवर होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया और फंगाई की। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फंगाई मतलब कवक। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डीकम्पोजर्स। समझ में आ गया आपको डीकम्पोजर का क्या मतलब होते हैं? मतलब दूसरों के जो मृत शरीर है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये। नेक्स्ट, वाट इज द एक्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू ए फील्ड थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं इरीगेशन। नेक्स्ट, वाट इज द प्लॉइंग एंड कल्टिवेटिंग द लैंड, जुताई और जुताई वाली भूमि को क्या बोलते हैं? तो ये बोला जाता है टाइलिंग, जोतना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड सो बिकॉज। देखो इसको क्यों, फोटोसिंथेसिस को डार्क रिएक्शन भी क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डजेंट रिक्वायर लाइट एनर्जी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डजेंट डिपेंड ऑन। देखो ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता? तो ये ड्यूरेशन, लाइट की ड्यूरेशन भी डिपेंड नहीं करता। ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए लाइट आ रही है, ऐसा कुछ भी डिपेंड नहीं करता। फॉर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो उन्हें मिलन होना चाहिए, पर्ण हरित होना चाहिए, उनके पास लाइट होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन सा प्रोसेस है, ये एग्जाम में आ सकता है। ये होता है उपचय प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स। ईजी क्वेश्चन, पर्ण हरित का राइट आंसर होगा, सबको पता है ये क्वेश्चन भी। देखो ईजी क्वेश्चन है ना, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगी। कोई अगर आपको कुछ पूछना है पीडीएफ से रिलेटेड और कुछ और भी आपसे बात करनी है तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।